देश में पेट्रोल के दाम आसमान छुए हैं। ऐसे में ग्राहकों को सही पेट्रोल देने की बजाय पेट्रोल में डंडी मारने का मामला मंगलवार को रात करीब 11 बजे के दौरान वाड़ी के सरकारी संचालित भारत पेट्रोल पंप पर सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर अर्जुन खाड़े मंगलवार को रात 10:30 बजे अपने दोपहिया लेकर भारत पेट्रोल पंप पर गए। उन्होंने पेट्रोल डलवाया, लेकिन कम पेट्रोल होने की आशंका होने से खाड़े ने कर्मचारी को जवाब पूछा। गाड़ी से पेट्रोल निकालने को कहा, लेकिन कर्मचारी खाड़े की शिकायत पर अनदेखी कर टाल रहे थे। खाड़े ने मनसे नेता योगेश चनापी को बुलाकर घटना की जानकारी दी। मनसे के कार्यकर्ता आने पर कर्मचारियों ने गाड़ी का पेट्रोल निकालकर दिखाया तो करीब 400 ml पेट्रोल कम पाया गया। फिर भी कर्मचारी मानने को तैयार नहीं थे। तब योगेश चनापी ने मीडिया को बुलाया। मामले की सच्चाई जानने के लिए पत्रकारों ने अपने मोबाइल के कैमरे पर ग्राहक और कर्मचारियों की समस्याओं को सुन लिया। पंप पर रात में राठौर नामक मैनेजर नहीं था। कर्मचारियों ने घटना की जानकारी पंप के संचालक श्रीकांत डगवेकर को दी। संचालक डगवेकर पंप पर पहुंचे, कुछ समझदारी की बात करने के पहले ही पत्रकारों को धमकाने लगे और पत्रकार का मोबाइल छीन लिया। मामला तूल पकड़ते जा रहा था तो पुलिस को सूचना दी गई। वाड़ी थाने के एपीआई अचल कपूर दलबल के साथ पंप पर पहुंचे ग्राहक डॉक्टर खाड़े और संचालक से बात की, लेकिन संचालक अपनी बात को मानने को तैयार नहीं था। पूरा मामला पत्रकारों ने अपने मोबाइल में कैद किया। बात शिकायत पर आई, एपीआई कपूर ने मामले को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन संचालक अपने हेकड़ी पर था। खाड़े और पत्रकारों ने जब थाने में शिकायत की बात कही, तब संचालक को पुलिस थाने चलने की बात करने पर संचालक की हेकड़ी निकली। दलित पत्रकार का मोबाइल छीनकर सार्वजनिक जगह पर अपमानित करने के जुर्म की शिकायत पत्रकार देने वाले थे, लेकिन एपीआई कपूर ने पूरे मामले को शांत कर ग्राहक और पत्रकार को मनाया। आखिर में कंपनी संचालित पंप के संचालक ने ग्राहक और पत्रकारों से माफी मांगने के बाद मामला शांत हुआ। वाड़ी के इस पंप पर हमेशा ही पेट्रोल के संदर्भ में मामले होते रहते हैं। इस पर पेट्रोलियम मंत्री और जिले के डीएम को अब पत्रकार शिकायत करेंगे। पंप के एरिया ऑफिसर ने भी ऐसे संचालक पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। साथ ही वजन और द्रव्यमान विभाग की भी पंप पर अनदेखी नजर आ रही है। आगे शिकायत होती है तो संचालक पर निश्चित रूप से पत्रकारों के साथ बदसुलूकी का मामला दर्ज होता। इसे एपीआई अचल कपूर ने संभाला और मामले को शांत कराया। पण 2 दिवसाआधी मला शंका आली होती की हे लोक पेट्रोल कमी देतात, म्हणून मी आज या ही स्थिती केली की म्हटलं गाडी फुल करा। फुल केल्यानंतर त्यांना म्हटलं मीटर रिडिंगमध्ये आलं, त्यांच्या मीटर रिडिंग प्रमाणे 6 लिटर 920 ml पेट्रोल त्यांनी माझ्या गाडीमध्ये टाकलं। मला शंका आली, मी म्हटलं त्यांना मला कॅननी तुम्ही मोजून द्या बरोबर। जेव्हा त्यांनी कॅननी मोजून दिलं तर ते भरलं फक्त 6 लिटर 500 ml, 420 ml इथेही कमी पडलं। आणि मी गाडी तर काही चालवत म्हणजे पाई ढकलत आलेली नाही आहे, चालवतच आली। माझ्याही गाडीमध्ये 1-1.5 लिटर पेट्रोल हमेशा असते। मी व्यवसायाने डॉक्टर आहे, माझी गाडी कधीही ड्राय होत नाही, रोज येत नाही। वाडी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटील की रिपोर्ट।